धोनी की परंपरा महाराज जी क्या है वो जरा तेज से बताइएगा जिससे। धोनी की परंपरा देखो एक बहुत कठिन होती है और धोनी ही टपने से जो है साधु के पास जो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मिलता है और 3 साल की है वो होती है प्रतिक्रिया। 5 पंचधोनी 3 साल की होती है, सप्तधोनी 3 साल की होती है। इसी प्रकार द्वादश करके एंड तक कोट होता है, ये 18 साल की तपस्या जो है साधु को करनी पड़ती है, जिससे हम तपस्वी लोग जो जितने भी तपस्वी साधु होते हैं ये भगवान द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के द्वारा इस धुनी से ही प्राप्त करते हैं। और ये धुनी परंपरा वैष्णो में ही पाई जाती है। तो ये वैष्णो जो धुना लग चलता है अपना यहाँ पर कुंभ के अंदर, सभी वैष्णो धुने वाले सभी ज़्यादातर वैष्णो इस धुनी को तपते हैं। और इस धुनी के अंदर 3 चीज़ें विशेष मानी जाती हैं। ये बताते हैं कि धुनी तपने वाले साधु के पास स्वयं देवी देवता खुद आकर बैठते हैं, और जब धुनी तपता है कोई साधु तो उसमें उसके इर्द गिर्द जो बैठे होंगे ईष्ट देवता के साथ साथ उनके सुरक्षक बैठे होंगे, और ईष्ट देवता उन पर कृपा बना के रखते हैं तो सारे देवी देवता उन पर अपनी कृपा बना के रखते हैं, इसीलिए ईष्ट को बनाने के लिए धुनी तपी जाती है। तो अलग अलग जैसे सप्तधुनी और वो होती, वो क्या चरण होता है उसका? ये चरण होता है 3 साल का एक चरण होता है जी। पंचधुनी 3 साल तक तपी जाती है, फिर उसके बाद सप्तधुनी तपी जाती है, फिर उसके बाद द्वादश कब तपी जाती है, फिर उसके बाद अनंत करी जाती है, फिर उसके बाद कोटि करी जाती है, और कोटि के बाद फिर जो है खप्पर आता है जी। 6 चरण होते हैं इसके, 3 साल का एक चरण होता है जी, और इन 6 चरणों में ही इन धुनियों को तापना पड़ता है। अच्छा, तो इनमें जैसे सप्त धुनी है और अलग अलग चरण हैं, उसमें कितने कितनी वो धुनी रमाते हैं? एक जब पंचधूमि नहीं है 5 जगह अग्नि जलाई जाती है, जलाएंगे हाँ जी। छठा जो है टपा रखा रहेगा जी, ऐसी सप्त में 7 जगह जलाई जाएगी जी, और जी द्वादश में 12 जगह जलाई जाएगी जी, वैदव में 24 जगह जलाई जाएगी जी, अनंत में जो है क्या नाम 84 जगह जलाई जाएगी जी, कोट में 100 जगह जलाई जाएगी जी, और खप्पर जो होता है लास्ट धुनी उसमें 108 जगह जलती है, 107 जमीन पर और 108वीं सिर के ऊपर। सिर के ऊपर, तो ये सिर के ऊपर कितने लगातार कितने घंटे तक रखते हैं, कितने दिनों तक रखते हैं? लगभग 3.5-4 घंटे की प्रतिक्रिया होती है ये डेली की जी। तो इससे जो है शरीर जो है तप जाता है पूरी तरह से, शरीर पूरा अग्नि से नीचे ऊपर तक। आप अगर जो समय पर किसी साधु को आप छूकर देखेंगे तो कम से कम भी 60-70 डिग्री उसका टेम्परेचर उस टाइम पर 60-70 डिग्री हो जाता है। अच्छा, और वो ऐसे बैठे रहते हैं? हाँ, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। कोटी पर जब खप्पर सिर पर रख के जो चली जाती है उसमें लिमिट नहीं है, बाजी का तापमान तो 80-90 तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो संत का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? संत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संत को तो और आनंद आता है, उसका इच्छा भी नहीं करती है कि वो जल्दी से उठे, वहाँ धुनी पर बैठे रहेंगे। धुनी पर बैठे रहेंगे, उन्हें कोई शरीर कष्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता उनको। तो और जिस समय जब आप 2-4 साल तप लेते हैं ना धुनी को, तो ये धुनी अपने आप ही अंदर से खुद कहती है कि मेरे को तप तप। हाँ, और फिर उसमें संत जो है नरम रहता है, तो फिर वो दिन दुनिया को छोड़कर अपने धुनी में तप रहता है। तो ये धुनी रमाने का जो मुख्य कारण है वो केवल भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति है, उसको प्राप्ति है, जिससे दुनियादारी देश सब जो है दूर हो जाए और सिर्फ धुनी में रमे रहे। 3 साल एक धुनी तपने के बाद साधु के पास जितनी धुनी तपता है उतनी ही वाणी आती है, और यही वाणियां भक्तों के लिए काम आती हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ साधु के पास यही आशीर्वाद होता है जी, कि उसकी जो तपस्या है वो भक्तों को देता रहे जी। तो हम जो हमारी 18 साल तक हम तपस्या करते हैं इसके द्वारा जी, ये भक्तों को ही दिया जाता है जी। तो आप जो है क्या तप धुनी पे बैठे कभी? मैं 3 तप चुका हूँ, मेरी इस टाइम कोट चल रही है, 84 की धुनी एक जगह जलाता हूँ। 84 की? हाँ, 84 एक जगह लगाकर जी, तो उसके बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। और कितने घंटे बैठ जाते हैं? लगभग 3-3.5 घंटे का ये। तो पूरा शरीर जो है अग्नि जैसा हो जाता होगा? 3 घंटे 37 मिनट 42 सेकंड का एक आसन होता है। एक आसन लगातार, उसमें बैठ उठना नहीं, कहीं इधर उधर नहीं करना, कुछ नहीं, पानी वानी डोल पानी रहो, कहीं नहीं जाना। अच्छा, बड़ी गर्मी भी हो तब भी? कुछ भी, वो गर्मी का ही है, 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का समय है। अच्छा, ये बसंत पंचमी से शुरू हो जाएगा? बसंत पंचमी से शुरू होता है और गंगा दशहरा तक चलता है ये धुनी का। हाँ, बड़ी गर्मी, ये गर्मी के 4 महीने होते हैं, गर्मी के 4 महीने ही तपे जाते हैं। ऊपर से सूरज तपता है, नीचे से अग्नि तपती है, और फिर उसके नीचे से जमीन तपती है, 3 जगह से साधु तपता है, यानी कि नव पृथ्वी, धरती, पृथ्वी और आकाश, इनमें तीनों के बीच में
साधु बैठ के तपता है जी, और वो तीनों ही तापते हैं, ऊपर से सूर्य तापता है और सामने से पृथ्वी पर धरती वो अग्नि तापती है और नीचे धरती से धरती तापती है जी, तो तीनों तरफ से साधु तप के जब उसको कुंदन चंदन बनाया जाता है तब वो साधु संत कुंदन और चंदन बन जाते हैं। आपने महाराज जी का सुना कि किस प्रकार से वो बता रहे हैं कि तीन जगह से, तीन स्थानों से साधु तपता है, संत तपता है और तब वो कुंदन और हीरा बनता है। कुंदन और हीरा क्यों बनता है? वो अपने भक्तों के लिए बनता है, देश के लिए बनता है, राष्ट्र के लिए बनता है। महाराज जी ने भी बताया है कि तीन प्रक्रिया उन्होंने पूरी कर ली है, 84 घंटे लगातार तपने की साधना उन्होंने पूरी कर ली है और साधना वो पूरी करेंगे, इसलिए कि धुनी रमाकर वो भक्ति में रम जाएं, उनके अंदर इतनी शक्ति और ताकत आए कि वो लोगों को आशीर्वाद दें और उनकी मनोकामना पूरी हो। दुनिया के लिए शोध का विषय इसीलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ के ऋषि मुनि संत सन्यासियों में ऐसी ताकत है, ऐसी विलक्षण ताकत है, ऐसी साधना और तपस्या है जो सारी दुनिया को आकर्षित करती है।